ओके आर वी लाइव जल्दी से बताएंगे सब हम लाइव आ चुके हैं एक थोड़ा सा टाइम लेता है आईटी टू तो स्टार्ट अ क्लास अरे आज ज्यादा ले रहा है यार यू you नो know, सब छपरी स्टार्ट से डरते हैं है ना मेरे बच्चों यस ओके ओके आई थिंक वी आर लाइव क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया हेलो मैम यस सो हाय के

यार जोश ही नहीं आया और इसी के साथ मैं बता दूं कि एक बेहद बड़ा सरप्राइज मैंने अपने बच्चों के लिए प्लान किया है कोई गैस कर सकता है बच्चों क्योंकि ये नाइट शॉट सिर्फ़ एक कोर्स नहीं है ये कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर बच्चे मांग रहे थे प्रैक्टिस तो उस प्रैक्टिस के लिए मैम ने एक ऐसी चीज प्लान की है जो आप पहली बार हासिल करने वाले हैं पहली बार आपको वो चीज मिलने वाली है एक ऐसी सीरीज एक ऐसी चीज जो आपको इस कोर्स के लिए और पढ़ने पे मजबूर कर देगा क्योंकि नाउ द कंपटीशन इज गोइंग टू गेट मोर टफर कोई गेस कर सकता मेरे बच्चों मैं बता दूं वो सीरीज ना आपको एक पैसा नहीं देना वो सीरीज बिल्कुल फ्री है आखिर वो कौन सी सीरीज है को मे... जब तक गैस नहीं आएगा ना आज के सेशन में यार माहौल नहीं बनेगा क्योंकि आज हमारा छपरी स्टार हमारे साथ आने वाला है यस बताइए 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 व्हाट डू यू वांट क्या चाह रहे थे तुम यस एक ऐसी चीज जो आपके यूट्यूब के इस सीरीज को और दमदार बना देगी एक ऐसी सीरीज जो बच्चों को हर संडे देनी होगी एक ऐसी सीरीज जो उस टेस्ट सीरीज में कॉन्स्टेंटली टॉप करेगा उसे मैं बुलाऊंगी अपने से मिलने के लिए यस yes, मेरे बच्चों वो है आपकी टेस्ट सीरीज यस yes, बच्चों जाओ तुम्हें वो तोहफा भी दिया इसी के साथ फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो सारे टेलीग्राम चैनल पे जोश के साथ आग आग लगाई दो मचाई दो यस yes, बच्चों तो क्या कहते हो टेस्ट सीरीज सुन के कैसा लगा यस yes, टेस्ट सीरीज चाहिए थी ना एक ऐसी सीरीज जो बिल्कुल youtube के साथ चल रही है एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको बिल्कुल एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे सेलेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक पे जो हम मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ेंगे उसका टेस्ट देना है बस तुम्हें संडे को बोलो मंजूर है या नहीं है चैलेंज बोलो 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 तुम्हें क्या लगा मैम से वन शॉट करके चली जाएगी नहीं भाई अगर सिलेक्शन सिर्फ वन शॉट से होता तो सबका हो जाता बट जो बच्चा प्रैक्टिस भी करता है सेशंस के साथ वही अपनी मंजिल हासिल करता है वही मुकाम बनाता है अपनी जिंदगी में यस yes. तो कैसा लगा बच्चों सरप्राइज हां जी कैसा लगा सरप्राइज यार आग नहीं आई चैट बॉक्स में लग रहा है आएंगे नहीं आएंगे मैम हमारी मर्जी हमने तो दस यू टेस्ट सीरीज ले रखे बट दिस टेस्ट सीरीज इज कम्पलीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ पे नहीं करना है क्योंकि ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए जो नाइट शॉर्ट्स में रेगुलर है इट ठीक है तो कल से हम कौन से यूनिट शुरू करने वाले हैं चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कल से हम जो यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जहां पे हर टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस कराऊंगी चार

जहां क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस हो जाते हैं ना टॉपिक के साथ तब बच्चे के दिमाग में बैठता वही चीज मैं करने वाली हूँ उसी का टेस्ट सीरीज से मैं उद्घाटन भी करूंगी ठीक है बच्चों मजा आ गया हां जी चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं मैं इतना बड़ा सरप्राइज था कि मतलब आई जस्ट विद अड्डा टीम एंड मैंने कहा यार मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को देने के लिए ठीक <laughs> है चलो तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नीट अड्डा ट्वेंटी एटी थ्री थाउजेंड से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे नोटिफिकेशंस आते हैं और यहीं पे आपको सेशन के बाद गोल्ड भी मिलेगी गोल्ड डी तो ये जो डीपीपी है देखिए बिल्कुल बेस्ड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द सेशन ठीक है तो ये सारी डीपीपी क्लास नोट्स गोल्ड नोट्स सब कुछ आपको नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और कौन कल 10 बजे अटेंडेंस लगा रहा है भाई पहले ये बता दो कौन 10 बजे अटेंडेंस वाला लगा रहा है मैम कॉकरोच तो कैंसिल है एनसीआर में एनसीआर में नहीं है बट सिलेबस में है भाई यही तो झोल है एनटीए का नेशनल एजेंसी हाँ टेस्टिंग नहीं तमाशा <laughs> यस बच्चों काफी बच्चों को तो ये पता ही नहीं अभी तक कि कॉकरोच सिलेबस में है भाई अभी तक तो बिचार में क्या बोलूं बच्चों का यार हर रोज चेंज करोगे तो ये बिचारे कहा जाएंगे लाइफ में? है ना बच्चों तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ तो बार बार चलिए आप शुरू करते हैं लेके 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 ले छपरी स्टार का ना ठीक है यस चलो छपरी से मिलवा तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉकरोच क्या बच्चों हमारा कॉकरोच इसको भी डिटेल में पढ़ना है कहीं से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आपसे सवाल पूछती जाऊंगी आप मुझे जवाब देते जाएंगे फिर थ्री डी देखेंगे फिर हम हैंड रिटन नोट करेंगे तब जाके हम इस टॉपिक को हर तरीके से पढ़ लेंगे फिर जाके इसे खत्म करेंगे ठीक है बच्चों क्योंकि हर तरीके से हमें पढ़ना है जरूरी नहीं हर बच्चे को ऐसे समझ में आता हो जरूरी नहीं हर बच्चे को सिर्फ थ्री से समझ में आता हो मैं एक ऐसी टीचर हूँ जिसे हर तरह का बच्चा पढ़ाना है ठीक है बच्चों चलो आ जाओ तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम किसी टॉपिक से शुरू करते हैं तो we always start with classification. किसे स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हर चीज के क्लासिफिकेशन जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग वाला लेक्चर तो मैम ने वो भी क्लासिफिकेशन से ही शुरू किया था ठीक है तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो जो ट्रिक थी जरा बता दो कि पहले किंगडम लिखू फाइलम लिखू क्या लिखू बच्चों जितनी बार इन्हें जितनी बार याद करोगे उतनी बार चीजें रट जाएंगी दिमाग में बैठ जाएंगी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद हो चुका होगा बिल्कुल ठीक है बच्चों तो चलिए मैम के साथ शुरू कीजिए क्या है? और यही था, यही ट्रिक थी बच्चों देखो एकदम से याद हो गया ना ये सीरीज में भी क्वेश्चन आता है नीट में लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर से इसलिए मैं आपको बार बार करा रही हूं तो के से है हमारा किंगडम पी से हमारा फाइलम C से हमारी क्लास ओ से है हमारा ऑर्डर एफ से है हमारी फैमिली जी से हमारा जीनस एस से है हमारा स्पीशीज, ठीक है? है ये हमारा। अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम कौन सा है मेरे बच्चों यस वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम यस कौन सा है एनिमेलिया कौन सा है हमारा एनिमेलिया अब यहाँ पे जो हमारा फाइलम है दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ

क्या कहते हैं डायप्टेरा फैमिली की बात करें तो फैमिली है इनकी ब्लाटिडी क्या है फैमिली बच्चों फैमिली है इसकी ब्लाटिडी जीनस की बात करें तो जीनस क्या है बच्चों पेरिप्लेनेटा क्या है बच्चों पेरिप्लेनेटा है इसका जीनस ठीक है और भाई जहां तुम नहीं गए जहां मैं नहीं गई बट ये है क्या अमेरिकाना क्या है मेरे बच्चों ये अमेरिकाना ये इसका स्पीशीज है ठीक है अब यहां पे इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं स्टार्टिंग में ठीक है जनरल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं या इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो भाई ये हमारी तरह हबोरस है हमारी तरह ओमनी नि वोरस है या तुम्हारी तरह कानी वोरस है कैसा है छपरी यस हाउस दिस बच्चो जल्दी बताओ हां जी बताइए कैसा है ये कुछ भी खा लेता है इसकी कोई चॉइस नहीं है तो ये क्या है ओमनीबोरस तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो एनिमल है ये सब कुछ खा लेता है तो ये ओमनीबोरस है ये रात के अंधेरों में निकलता है शहनशाह की तरह या दिन में निकलता है दीदी की तरह बताइए बच्चों तो ये कहाँ निकलता है ये निकलता है मेरे बच्चों अंधेरों में शहनशाह की तरह तो इसे नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं कैसा एनिमल कहते हैं नॉकटर्नल कैसे कहते हैं नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो नाइट एक्टिव एनिमल्स होते हैं ये रात्रि के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं ठीक है आप समझ जाओ तुम क्या हो लाइफ में आप तुम समझ जाओ क्या हो लाइफ में ठीक है यस हम सब जगे हुए हैं अब तुम समझ जाओ हम क्या ही हैं ठीक है बच्चों अब इसके नेक्स्ट पे आते हैं ये एक सीरियस पेस्ट है क्या है बच्चों ये ये सीरियस पेस्ट तक गंदगी और बीमारी फैलाने के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं जैसे हमें बच के रहना होता है कर्सोरियल एनिमल है मतलब होता है फास्ट रनर्स तुम इससे देखे जैसे दीदी कॉकरोच को देख के भागती है ऐसे कॉकरोच भी दीदी को देख के भागता है मेरे बच्चों ठीक है तो ये क्या ये फास्ट रनर्स क्या है बच्चों ये ये है फास्ट रनर्स क्या है फास्ट रनर्स ठीक है इसके अलावा और बताओ क्या है इसके जनरल मेरे बच्चों हाँ जी हर हाउस होल्ड में मिलता है तिलचट्टा ये कहलाया जाता है यूनिसेक्सुअल है या नहीं क्या ये बाइसेक्सुअल है क्या मादा और पुरुष एक ही बॉडी में रहते हैं नहीं, नहीं 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 अलग रहते हैं तो ये क्या है यूनिसेक्सुअल है ठीक है क्या ये वंस को पैदा करते हैं डायरेक्ट या ओवी पैरस है एग लिंग होते हैं कैसे होते हैं देखो तो ये जनरल चीजें तो तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी यस बच्चों कैसे है बच्चों ये ये हमारे ओवी पैरस एनिमल्स यानी कि एग लेंग होते हैं मिलते हैं जहां मॉइस्ट होता है हाँ बेटा टेस्ट सीरीज फ्री है अब तू जरा पढ़ ले दो मिनट ठीक है ये कहा मिलते हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं डैम प्लेसेस होते हैं मार्शी प्लेसेस होते हैं ठीक है मॉइस्ट या डैम प्लेसेस डैम प्लेसेस जहां थोड़ा अंधेरा होता है इसलिए तो दीदी को डर लगता है मेरे बच्चों इसलिए तो दीदी को डर लगता है क्योंकि ये थोड़े अंधेरों में मिलते हैं इसलिए दीदी अंधेरों में जाते ही डर जाती है ठीक है समझ आया नहीं आया ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बट उससे पहले हम देखेंगे कि आखिर छपरी दिखता कैसा है उसके हाव भाव कैसे है क्या उसका रिश्ता पक्का हो सकता है या नहीं इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब हम देखेंगे इसका थ्री डी चलिए आइए बच्चों अब आइए इसका 3D देखते हैं भाई एक्साइटेड है या नहीं आ भाई देखो यार इन टॉपिक्स में 3D बहुत जरूरी है हमें भी थोड़ा मजा सा आ जाता है क्लास में अभी आ ही रहे लेट्स वेलकम आर छपरी नंबर वन ये देखिए देखिए कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है बाय गॉड इतना तो मैं बता रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें देख के नहीं मुस्कुराती जितना ये देखकर कर मुस्कुरा रहे देखे बिल्कुल ऐसे आजकल वो डांस है ना तेरी सुलझा दिया यहां से कॉपी किया बेटा यहाँ से कॉपी किया देखो ये देखो, देखो देखो सेम स्टेप देखो देखो यहाँ से कॉपी किया और कहते कि हमारा ओरिजिनल स्टेप है कोई बात हुई बेटा ये कोई बात है ये देखो यहाँ से कॉपी किया है मतलब हद होती यार कॉपी करने की लोगों की जो सेशन बनाओ कॉपी कर देते हैं ओ सॉरी जो एक्शन दिखाता है ये कॉपी कर देते हैं ऐसे थोड़ी होता है बच्चों हर चीज कॉपी दुखी आ गए मैं और मेरा चपरी। तो ये है हमारा पेरी अमेरिकाना। ठीक है हमारा ठीक बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब बच्चों को इसके दो एंटेनास दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं पहले आराम से देखो क्या है ये ये है इसके एंटेनास क्या है बच्चों ये इसके एंटेनास हैं ये इसका हेड है ठीक है अगर इसका हेड देखोगे तो इसके शरीर से ये हेड 90 डिग्री पे है राइट और रॉन्ग आराम से देखकर मुझे बताओ अगर आप इसका ये हेड देखोगे और इसका बॉडी देखोगे तो आपस आप में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है बॉडी और हेड के बीच में तो ऐसे हेड को हम कहते हैं हाइपोग्थस क्या बोलते हैं मेरे बच्चों जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में इसको बोलते हैं हाइपोग्नाथस क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को हाइपोग्नाथस ठीक है अब देखो अब इसके हेड की शेप देखो जरा आ जाओ जरा इसके हेड की शेप देखो इसका जो हेड का शेप है वो ट्रायंगुलर है तो हेड के बारे में दो चीजें नीट में आती है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है तो आपका आंसर होगा हाइपोगनाथस अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका शेप कैसा है तो आपका आंसर क्या होगा ट्रायंगुलर शेप है ठीक है इस हेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दो तरह की आंखें दिख रही है बच्चों ये देखिए अगर आप इस हेड पे देखेंगे तो यहां पे आपको दो तरह की आंखें दिख रही है ये देखिए और जूम कर दे रही हूं मैं आपके लिए ये देखो ये जो काले कलर के बट्टे हैं ये इसकी कंपाउंड आईज है ये काले रंग के बट्टों को क्या कहते हैं मेरे बच्चों कंपाउंड आइज क्या कहते हैं कंपाउंड आइज ठीक है और यहां पे जो दो छोटी -छोटी आँखें आपको आगे की तरफ दिख रही है इन्हें इन्हें कहते है इने कहते हैं हैं सिंपल आइज अब आप कहेंगे मामा बन दोनों में क्या फर्क है एक आंख होती है भापने के लिए एक आंख होती है नजरों के लिए ठीक है बच्चों तो ये जो कंपाउंड आइज है ये आपकी इमेज बनाएगी ठीक है, बट दीदी अगर अंधेरे में आ जाती है तब भी भाग जाता है छपरी क्यों क्योंकि वो भाप लेता है शेडो को इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसे कौन सेंस करता है ऑसिलाए कौन सेंस करता है बच्चों, ठीक है? अब देखो यहाँ पे

ठीक है yes, यस बिल्कुल तो इस तरीके से है चलो अब इसकी जरा एक बार लेबलिंग चेक कर लो ये देखो ये देखिए ये ये देखो ये इसका हेड है ट्राइंगुलर ये देखिए ये कौन सी आईज है सब अब मैम के साथ रिवाइज करेंगे ये कौन सी है यस ये देखिए ये कंपाउंड आईज है इसकी ठीक है बच्चों ये देखिए ये, ये, ये क्या है इसके एंटेनास है मेरे बच्चों फिलीफॉर्म एंटेनास ये देखो ये छोटी वाली आईज ये देख हो

या प्रोथोरेक्स मैम के साथ बोलिए पहला हिस्सा क्या है थॉरक्स का प्रोनोटम यानी कि प्रोथोरेक्स इससे अगर आप देखोगे तो पहली टांग निकल के आ रही है देख रहे हो पहली टांग प्रोथोरेक्स से निकल के आ रही है फिर बीच वाला है मीजो थौरेक्स. मीजो थौरेक्स से दूसरी टंगड़ी बाहर आ रही है दूसरी टंगड़ी बाहर आ रही है ठीक है वहीं पे मीजोथोरिक्स से देखो एक विंग भी बाहर आ रहा है ये देखो ये वाला विंग ये देखो मीजोथोरिक्स से ओए होए ठीक <laughs> है फिर देखिए अब अब हो हो गया हो गया अब आएगा क्स ये वाला हमारा क्या है मेटाथॉरिक्स है बच्चों ये हमारा मेटाथोरिक्स है मेटाथोरिक्स से देखो तीसरी पेयर ऑफ टांग बाहर निकल के आ रही है इसी मेटाथोरिक्स से हमारा एक और विंग बाहर निकल के आएगा जो हमारा हाइंड विंग होगा ठीक है देखिए ये हमारी टांग है टांग का जो पहला हिस्सा उसे बोलेंगे इसे बोलेंगे इसे फीमर बोलेंगे इसे टिबिया बोलेंगे इसे टार्सस बोलेंगे देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से मॉर्फो क्लियर हो रही है या नहीं यस जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में अब आगे चलते हैं चलो ये देखिए दूसरी टांग

ठीक है बच्चों ये क्या है हमारा एबडोमिन यहाँ पे हमारे कोको राजा के देखिए लास्ट में ये देखिए कोको राजा देखिए ये कोको राजा का पिछवाड़ा है ठीक है अब पिछवाड़े में ये दो लंबे वाले दिख रहे हैं और दो छोटे वाले दिख रहे हैं ठीक है अब पिछवाड़ा भी कुछ बताता है पिछवाड़ा कहता है कि ये जो है मेल कॉकरोच है आप कहेंगे मैम कैसे पता लगा आपको क्योंकि स्टाइल मार रहा है क्या मार रहा है ये स्टाइल ठीक है स्टा ये स्टाइल कैसे मार रहा है बच्चे पूछ रहे हैं ये स्टाइल इसलिए मार रहा है क्योंकि इसके पास है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर कॉल एनल स्टाइल्स और कॉडल स्टाइल्स

ये सिर्फ मेल कॉकरोच में होगा ये फीमेल कॉकरोच में बिल्कुल नहीं होगा ठीक है बट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों के पास होता है मेल के के पास भी और के पास और फीमेल भी स्ट्रक्चर का नाम है एनल सरकाय ठीक है क्या है उनका नाम एनल सरकाय ठीक है अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर ये है पूरी मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच ठीक है क्या ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया एक बार जल्दी से बॉक्स में बता दो भाई क्या इतना स्ट्रक्चर क्लियर है मुझे लगता है एक बार ढंग से देख लोगे तो नीट एग्जाम में कभी गलती नहीं करके आओगे क्योंकि याद करने के तरीके भी बताती मैं तुम्हें क्लास में ठीक है समझ में आ गया बच्चों डन डन आ डन डन डन. चलिए अब हम इसके माउथ पार्ट्स भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है तो हमें ये भी करने हैं तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो ये अपर लिप है ये वाला अपर लिप ठीक है क्या है अपर लिप ये जो अपर लिप है इसको हम कहते हैं लेबरम अपर लिप को क्या बोलेंगे लेब्रम लेब्रम ठीक है अब जो यहां पे नीचे वाले जो दोनों तरफ दिख रहे हैं आपको ये है हमारे मैंडिबल्स ये मैंडिबल्स पता है कैसे काटते हैं चलो मैं तुम्हें बताती हूँ ये ना खाने को बीच में रखते हैं और ये मैंडिबल्स ऐसा ऐसे काम करते हैं ठीक है फिर उसके बाद आप देखोगे बड़े वाले ये बड़े वाले हैं देखिए ये है मैगजिला जो बड़े वाले हाथ है जिनका काम खाने को पकड़ना था याद करो ठीक है फिर है ये छोटे वाले ये जो छोटे वाले स्ट्रक्चर्स है ये हमारा लोअर लिप है जिसे हम कहते हैं लेबियम जिसके ऊपर खाना रखा जाता है जिससे निगलता है उसके बाद यहाँ पे इसके एक पास टंग लाइक -like स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हाइपो तो इस तरीके से हमारे पांच जो है माउथ पार्ट्स बनाए हुए हैं एनसीआरटी में जो हमको डिटेल में पढ़ने हैं क्या हमको यहां तक समझ में लगा या नहीं लगा प्लीज एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दे yes. को अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता पढ़ने का हम्म hmm. yes, मेरे बच्चों क्या हमको यहाँ तक समझ में लग गया एवरी वन इन द्लास एक बार एनाटमी पे भी शुरू करें यस yes. चलिए तो यहां तक हमने मॉर्फोलॉजी कर ली है अब हमें एनाटमी है जैसे हमने फ्रॉक की की थी एक बार देख लेते है, सिस्टम को फिर का वो है हमारा एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया एनटीए ने क्योंकि एनटीए सोचता है कि वो जरूरी नहीं है बट कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना जरूरी है क्यों ये एनटीए जाने ठीक है चलिए आइए आ जाओ मेरे बच्चों ये देखिए यहां से सिस्टम शुरू हो रहा है यहां से इस पॉइंट से सिस्टम शुरू हो रहा है यानी ये पॉइंट क्या हो सकता है ये बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है यानी कि जहां से हमारा सॉरी हमारा कह रही हूँ कोकोराजा का एलिमेंट्री के नाल शुरू हो रहा है मेरे बच्चों वो कौन सा हिस्सा है वो है हमारा ये ये है हमारा फोरगर्ट यानी कि फैरिंग्स तो सबसे पहले जो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है फैरिंग से शुरू होता है कहां से शुरू होता है फैरिंग से फैरिंग के बाद ये देखिए बुलबुले ये टू पेयर ऑफ बुलबुले को हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं जो कि नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं तो मेरे बच्चे कहेंगे मैम टू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ठीक है अब इन बुलबुलों के बीच में ये दो स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं ये सलाइवरी ग्लैंड नहीं बल्कि सलाइवरी है रेजर्वौर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे हम सलाइवा को स्टोर भी करते हैं कंसंट्रेट भी करते हैं यानी कि गाढ़ा सलाइवा बनाते हैं कैसे सलाइवा बनाते हैं बच्चों गाढ़ा सलाइवा तो खाना आया सलाइवा आया, ठीक है टेस्ट करने के बाद जो ये खाना है ये अब जाएगा इसोफेगस में कहा जाएगा बच्चों ये इसो में इसोफेगस से ये खाना कुछ देर स्टोर होगा उसके पेट में और यहाँ स्टोर करने के लिए क्रॉप नाम का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है स्ट्रक्चर का नाम क्रॉप तो क्रॉप का क्या फंक्शन है एक बार जल्दी से मैम के साथ बताइए सब चैट बॉक्स में तो क्रॉप का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड तो खाना यहाँ पे स्टोर भी किया जाता है ठीक है और यही पे सॉफ्ट भी होता है ठीक है अब आगे चलते हैं बच्चों अब क्रॉप के बाद जो ये खाना है ये जाएगा गिजर्ड में कहा जाएगा बच्चों गिजर्ड गिजर्ड के जी से याद रखना है जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग मैम के साथ बोलेंगे सब जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग यानी कि यहाँ पे जो खाना आया है उसे ग्राइंड करने वाले है अब कई बार बच्चे पूछते हैं मैम ग्राइंड कैसे होगा इसके बाद तो दांत भी नहीं है इसके पास तो वो आ, हमारी मिक्सी वाली प्लेट भी नहीं है फिर कैसे होगा तो मैं कहूंगी अरे हट ना लाया। इसके पास देख टीथ 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 होते होते हैं हैं बट ये ये काइटिन काइटिन से बने होते हैं। ये के 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 आपस में लड़ लड़ के, लड़ लड़ के, लड़ लड़ के, क्या करते हैं खाने को ग्राइंड कर देते हैं तो गिजर्ट का काम है ग्राइंडिंग जी फॉर ग्राइंडिंग ठीक है यस अब देखो अब खाना ग्राइंडिंग के लिए हो गया खाना अच्छे से तुम तोड़ चुके हो बिल्कुल अच्छे से अब जब वो टूट गया है तो अब वो जाएगा मिड में डाइजेशन एंड के लिए गएगा सीका से. से सीका से आएगा हिपैटिक सीका का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक सीका जिसका काम होता है द रिलीज ऑफ एंजाइम ये जब सारे एंजाइम रिलीज होते हैं तो यही करते हैं क्या डाइजेशन ऑफ फूड ठीक है ये कहाजेंट है एट द जंक्शन है यही क्वेश्चन नीट में दिखेगा yes, मेरे क्या right answer है? कहां पे है क्या कौन सा जंक्शन है विजुअलाइज करो दिमाग में बिठाओ जैसे नीट में कोई क्वेश्चन गलत ना हो यस 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 कहाँ होगा ये प्रेजेंट एट दिडगट ठीक है तो यानी कि हिपैटिक सीका से जब एंजाइम आ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे वो जाएंगे मिडगट में मिडगट का नाम है मिजेंट्रॉन ठीक है अब मिजेंट्रॉन में खाना डाइजेस्ट हुआ खाना एब्जॉर्ब हुआ जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ अब उसे बाहर फेंकने की बारी है और बाहर फेंकने के पहले यहाँ पे बीच में 100 से 150 सौ येलो कलर के टिब्यूल है जिनका काम एक्सक्रीशन होता है जिनका नाम है मार्फीजियन कहाँ प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लास में ही याद करना है क्लास के बाद बायो नहीं पढ़ते पाप लगता है यस yes, बताओ भाई कहा प्रेजेंट है ये प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट ठीक है बच्चों कितनी है सौ से डेढ़ सौ है कौन से कलर की है येलो कलर की है क्या काम है एक्सक्रीशन काम है इस चार क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे ठीक है चलो नेक्स्ट अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है ठीक है वो कहा जाएगा वो जाएगा गट में गट का पहला हिस्सा है इलियम दूसरा हिस्सा है कोलोन इलियम और कोलोन में जितना भी पानी है जितने भी मिनरल्स वो मिनरल हो जाएंगे उसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा रेक्टम में जाएगा रेक्टम में कुछ दिनों के लिए क्या कुछ घंटों के लिए स्टोर होगा उसके बाद फाइनली बाहर निकल जाएगा एनस से हो गया सिस्टम खत्म अजी कोई टफ था जी हाँ दसो जी ये कोई टफ लगा मेरे बच्चों को बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम कर रहे हैं जिन बच्चों को लग रहा है यही से पिटाई करूंगी बिल्कुल कुछ है ही जी, जी, समझ। नहीं समझने के लिए खत्म भी हो गया टॉपिक और नहीं तो <laughs> पॉटी खाकर पॉटी करता है मत पूछो मेरे से अब मैं इस पे क्या ही कमेंट करूं <laughs> ठीक है चलो अब आते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच ठीक है ये डायग्राम बिल्कुल एनसीआरटी का है अगर आप एनसीआरटी को देखेंगे ठीक है अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो सबसे पहला मेरा आप सबसे एक सवाल है क्या इसका सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है मेरे बच्चों एक बार जल्दी बताइए सब बॉक्स में कैसा सिस्टम होता है मेरे बच्चों इसका ओपन या क्लोज कैसा है सिस्टम यस माय किड्स इसका जो सिस्टम है या सारे अर्थ का ले लो विदाउट एनी एक्सेप्शन को नहीं पता ओपन सिस्टम क्या होता है मैं ये वो है है। जिसके अंदर capillaries नहीं होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम का एनिमल किंगडम से भी पूछ सकता है यहां से भी पूछ सकता है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कोई कैपिलरीज नहीं है ब्लड जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसके टिश्यूज के देख रहे हो ये हमारे टिश्यूज है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ब्लड आता है किसके टिश्यूज के ठीक है बच्चों तो ये तीन पॉइंट्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ये जो इसका दिल है ना ये वेंट्रल साइड होता है या डॉर्सल साइड होता है किस साइड होता है हमसे ऑपोजिट होता है क्या जवाब लगा के आओगे नीट में क्या लगा के आओगे नीट में एग्जाम्पर यस yes. क्या आंसर लगा के आओगे इसका जो हार्ट है ना वो डॉर्सल साइड होता है क्योंकि हमारा वेंट्रल साइड होता है हम अपने दिल को छुपा के रखते हैं या अपने दिल को दिखा के रखता है ठीक है मेरे बच्चों ये जो हार्ट है ना ये दिमाग की सुनता है तभी इसको इश्क नहीं होता मेरे बच्चों इसलिए वंचित है इश्क से यस यस ये इसका दिल ये नहीं देखता कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है इसका दिल कहता है बस हो जाने दे आज ठीक है तो ये जो इसका दिल है ना ये दिमाग से चलता है ना कि अपने आप से तो इसलिए ऐसे दिल को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं कैसा कहते है हार्ट कहते हैं मेरे बच्चों हार्ट कहते हैं क्योंकि अपन का हार्ट है हम अपनी मर्जी से काम करता है हमारा दिल इसका नहीं करता मेरे बच्चों ठीक है तीसरी चीज इसके दिल के बारे में इसके दिल के अंदर एक चेंबर नहीं दो चेंबर नहीं तीन नहीं बल्कि तेरह चेंबर है भाई यस yes, ये तो पूरा का पूरा चेम्बर ऑफ सीक्रेट है इतना चेम्बर ऑफ सीक्रेट तो हैरी पॉटर को नहीं मिला था जितना इसको मिला है मेरे बच्चों थर्टीन चेम्बर्स होते हैं जिससे ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट किया जाता है ठीक है अब देखो इधर कैसे किया जाएगा अब देखो इन थर्टीन चेम्बर्स को कंट्रोल करने के लिए बारह पंख जैसी मसल्स होती है कैसी होती है बारह पेयर पंख जैसी मसल होती हैं उनको कहते हैं आलरी मसल्स क्या कहते हैं बच्चों उनको आलरी मसल्स ये हमारी देखो पंख जैसी मसल्स दिख रही हैं आपको ये हमारी आलरी मसल्स है जो इस दिल से काम कराती है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ठीक है कभी तिलचट्टे को पीसा है तुमने <coughs> कभी भी तुमने तिलचट्टे को पीसा है कभी भी चलो नहीं भी पिसा हो अचानक से पिस गया हो किसी और ने पीस दिया हो कुछ तो किया होगा जिंदगी में न लायको तो हमेशा देखना लाल रंग का खून नहीं आता सफेद आता है क्यों सफेद आता है क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं होता है ना ही इसके पास हीमोग्लोबिन होता है क्योंकि इसका नाम होता है ही क्या नाम होता है बच्चों इसका हिमोलिम्फ तो यहाँ पे आप ये पूरा डायग्राम देखिए देखिए ये भी डिटेल में पूरा डायग्राम दे रखा है आपके सामने ये है हमारे थर्टीन चेम्बर हार्ट ठीक है और इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होगी हमारी ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल समझ में आ गया सबको एक बार जल्दी बताएंगे बॉक्स में किसी को कोई दिक्कत हाँ जी कोई भी दिक्कत दसो जी होनी नहीं चाहिए बहुत अमेजिंग था अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे आ जाओ नेक्स्ट सिस्टम पे आ रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका नाम होता है ट्रेकियल सिस्टम क्या नाम होता है मेरे बच्चों ट्रेकियल सिस्टम क्या नाम होता है मेरे बच्चों सिस्टम। ये जो ट्यूब्स है, अब ध्यान से देखना शायद तुम कभी इस चीज को इमेजिन ना ना कर कर पाओ कर पाओ बट यहां पे आप बहुत बहुत अच्छे से देख सकते हो उससे पहले मैं तुम्हें समझाती हूं। इसके पास 10 होते हैं। स्पारिकल्स देखो ये ओपनिंग ऑफ देखो ओपनिंग ऑफ ध्यान से देखना ये देखो ये देखो इसके शरीर पे स्पारिकल्स कैसे दिखेंगे देखो बच्चों हर तरीके से ये दिख रही है ये स्पार्कल्स ऐसे दस पे स्पार्कल्स होते हैं दस इधर दस उधर ठीक है ये जो स्पार्कल्स है इनको ये हमेशा खुले नहीं रहते जरूरत पे खुलते हैं जब उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है ठीक है बिकॉज दी स्पार्कल्स आर गार्डेड बाय स्विंस्टर्स ये स्विंस्टर से रेगुलेटेड होते हैं ठीक है बच्चों ये देखिए इस तरीके से अब कैसे कैसे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ये देखना देखो ये देखो ये ये देखो ये स्फिन्स्टर मसल ये ट्रेकिया और ये देखो सीधा टिश्यू से कनेक्टेड है देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है देखो ये स्पारेकल बाहर खुल रहा है इसको रेगुलेट कौन कर रहा है स्फिंस्टर ये देखो यहां से ऑक्सीजन आई टिश्यूज के पास जा रही है डायरेक्टली ये ट्रेकियल ट्यूब्स है ये देखियो ट्रेकिस देख लो कितना सुंदर डायग्राम है मेरे बच्चों बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये देखो अब ध्यान से देखना गैशियस एक्सचेंज ये देखो ऑक्सीजन देखो कैसे हो रही है वहां पे देखो थ्री चल रहा है वापस से देखो ये देखो ये देखो अब देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये देखो ये सीओ टू निकल रही है लाल रंग की सीओ टू है देखा आपने बच्चों वापस से देख लो कोई नहीं देखो स्विंसट बंद हो गया अब से देखो एक सेकेंड मैं वापस से चलाती हूं ये देखिए ऑक्सीजन देखिए देखिए खुला स्फिंस्टर खुला ऑक्सीजन अंदर गई ये देखो <coughs> ये ऑक्सीजन देखो टिश्यूज के पास गई टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर निकला ये 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 देखो ये देखो देखो खुला और देखो, बाहर निकल गई देखो वापस बंद हो गया ये देखो वापस बंद हो गया समझ में आ गया बिल्कुल कैसे स्पारिकल्स काम करते हैं कैसे ट्रेक्यूब अरेंज होते हैं कैसे ट्रेकियल ट्यूब्स अरेंज होती है वाहवा की भाई वाहवा तो करने वाली बात है यार यस हम्म डन देखा बच्चों पूरा समझ में आ गया कोई टेंशन चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं एक बच्चे कह रहा है मैम प्लीज मैराथन लॉन्च करो तो पहले ये तो ढंग से पढ़ ले अभी भी दो महीने बाकी है मैराथन लास्ट के पंद्रह दिन में शुरू होते हैं तब तक तो मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी पूरा जिस स्पीड से चल रही हूँ <laughs> जो मिलता है वो नहीं मुझे कुछ और चाहिए ये वही बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मुझे ये वाली लड़की पसंद नहीं है ज्यादा खूबसूरत लाओ और इन्हीं लड़कों की लड़कियां ना इतनी खूबसूरत होती है गॉड कि मैं क्या ही यस yes. हाँ हाँ हाँ। जो मिल रहा वो नहीं इन्हें ज्यादा चाहिए चलो अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट है जो कॉकरोच से बाहर आते उसका नाम है यूरिक एसिड क्या नाम है बच्चों उसका यूरिक एसिड ठीक है ये देखो ध्यान से देखिए ये मैलफीजियन टिब्यूल है पहले स्ट्रक्चर्स ये देखो कितना डिटेल में सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल सबसे पहले जो नीट एक NCRT में छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि मालफीजियन टिब्यूल के अंदर कौन सी एपिथीलियम है तो आपको पता होना चाहिए मालफीजियन टिब्यूल्स के अंदर जो एपिथीलियम है उसका नाम है सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल ये बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन है भाई देख लो इसको ठीक है यस अब देखो यहां पे देखिए ध्यान से ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये इंजाइम है ये यूरिक एसिड है ठीक है ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकले मेलफीजन टिब्यूल के अंदर ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है बच्चों देखो मेलफीजन टिब्यूल्स ने हीमोलिम से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट किया और उसे कहां पे डाल दिया इलियम के अंदर इलियम से कहा जाएगा कोलोन कोलोन से जाएगा रेक्टम रेक्टम से जाएगा एनस से बाहर ये देख रहे हो बच्चों सारा का सारा हीमोलिम्फ फिल्टर कर रहे हैं सारा का सारा हीमोलिम देखिए कितना सुंदर है देखिए सारा का सारा बाहर ये है हमारा नर्वस सिस्टम पे नर्वस सिस्टम की बात करें एक सेकेंड ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती हूं एक साथ ये देखिए ये है इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इन नर्व कॉर्ड पे नौ गैंगलिया होते हैं कई बार बच्चे गैंग्लिया होता क्या है कलेक्शन ऑफ सेल मतलब होता है गैंगलिया का गैंगलिया का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ठीक है बच्चों यहां पे तीन है थॉरेक्स में और ऊपर ये क्या हमारे सुपर सब ईसोफेज गैंगलिया यहां पे देखिए पूरा स्ट्रक्चर ये देखिए डिटेल में दो गैंगलिया है ना ये हमारे एब्डोमेन में अब यहां से नीट में क्वेश्चन आता है कि अगर हम उसका सर अलग कर दे तब भी हमारा कॉकरोच कितना जिएगा बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में तब भी हमारा कॉकरोच कितना जिएगा जी स्क्वायर आरबी बिल्कुल नीट का असर्शन रीजन यस हां जी कितना <laughs> एक हफ्ते तक जिएगा वो भी बेचारे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उसके पास सर नहीं है खाना खाने के लिए तो बिचारा ऐसे बिना धड़के घूमता रहता है यस yes, जैसे बेवड़े घूमते ना बिल्कुल वैसे घूमता रहता है कि यार मुंह तो है नहीं खाना कहां से कहो का, भूख से मरना पड़ेगा दिमाग तो वैसे भी नहीं था मेरे अंदर ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट आ सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लो क्योंकि फिर इसके डायग्राम बनाएंगे देखो ये है टेस्टिस जहां पे हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यहां पे क्या हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ये है हमारा ग्लैंड कॉल फेलिक ग्लैंड क्या फंक्शन है सब मैं बताऊंगी वो मेरा काम है बस लोकेशन देख लो ये बीच में स्मॉल टिब्यूल्स है साइड में लॉन्ग टिब्यूल्स है ये है हमारा सेमिनल वेसिकल पीछे की तरफ होता है इसलिए डायग्राम में कभी नहीं दिखता एनसीईआरटी के ठीक है बच्चों फिर नेक्स्ट कुछ चमक रहा है इसमें कुछ नहीं चमक रहा ना चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये है ओवरीज ये है ओविडक्ट ये है वजाइना ये है कॉमन ओविडक्ट और वजाइना ये है कोलेट्रल ग्लैंड्स ये है ओवी पॉजिटर जेनाइटल चेम्बर यह है वेस्टिब्यूल क्या क्या काम है सब मैं बता दूंगी यह है स्पर्मथीका चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म विजुअलाइजेशन हो गई पूरी अच्छे से देख लिया छपरी स्टार को यस बच्चों सबने अच्छे से देख लिया यस बच्चों चलो भाई आई होप हर बच्चे ने अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया है क्योंकि अब जो है मैम अपने स्टाइल में इस टॉपिक को कंप्लीट करेगी यस yes. हाँ जी बेटा वो इसलिए बाकी रुझदा बेटा क्योंकि उसका सेंस नहीं है दिखाने का ज्यादा इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे ना इसलिए हाँ भाई तैयार हैं चले फिर मैम के स्टाइल में पढ़ने के लिए देखो पूरा पोज वोज बना लिए आज यस बाल बाल बिल्कुल सेट कर लिए हैं चलो भाई वंस मोर मैम ये कोई कॉन्सर्ट लग रहा है टैन न न न टैन न न न तेरी लॉन्ड्री का एक बिल यस चलो आ जाओ ऑसम वो थी कलपुर वो सब मैं करौंगे बेटा वो सब मेरा काम है यार मुझे भी तो पढ़ाने दो 3D की दुनिया में इतना मत घूम जाओ कि तुम जी स्क्वायर को भूल जाओ चलो हम मॉर्फोलॉजी से शुरू करेंगे ठीक है आ जाओ भाई देखा ही होगा तुमने देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार ठन ठन टन 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 आते मेरे दिल मेरे भाई तो ये है हमारा कॉकरोच ठीक है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कॉकरोच तो जल्दी जल्दी तो तीसरा है हमारा एब्डोमेन ये तीन हिस्सों में बांटा हुआ है बच्चों अब इन तीनों हिस्सों को जरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाए तो पहला टॉपिक है आज की क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच ठीक है बिल्कुल हैंड रिटन नोट से मुझे पढ़ाना है बिल्कुल भी भगाना नहीं है ठीक है चलो आ जाओ तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी में जो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे वो आज की क्लास में है है हेड ठीक क्या देखेंगे हेड हेड अगर head की बात करें तो हेड की शेप कैसी है मैंने बताया था क्लास में बताओ हाथ की हाथ याद करो पूरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो सिंपल सा उसूल है कोई बायो का टीचर है बार बार नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ आपका सिलेक्शन चाहिए हमें अपने व्यूज नहीं चाहिए ठीक है चलो तो यहाँ पे अगर हेड की बात करें तो इसका हेड क्या है बच्चों ट्राइंगर इन शेप बस मेन मेन पॉइंट जो है के, वो हमें लिखने हैं बच्चों अभी भी काफी चीजें रहती है ठीक है अगर वहीं पे इसके अरेंजमेंट की बात करें तो ये बॉडी से कितने एंगल पे था बच्चों 90 डिग्री ठीक है यानी कि ये एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ बॉडी होता है बिल्कुल की लाइन है तो इस तरह के हेड के अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइपोगनाथस क्या बोलते हैं मेरे बच्चों हाइपोगनाथस ठीक है और अगर तुमने जिंदगी में दीदी को इम्प्रेस करने के लिए कॉकरोच को उठाया है तो तुम्हें पता लगेगा कि जो उसका हेड होता है ना वो बहुत इसका हेड बिकॉज ऑफ टेंटोरियम क्यों क्या है क्या, है, क्या है ये टेंटोरियम टेंटोरियम होता है एंडोस्केलेटन क्या होता है बच्चों टेंटोरियम ये एंडोस्केलेटन होता है क्या होता है बच्चों एंडोस्केलेटन ठीक है अब इसके अगर हेड की बात करें तो इसके हेड के पास काफी सारे स्ट्रक्चर्स है जिसमें से पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है बच्चों वो है हमारी ओसेलाय ऑसेलाय को हम सिंपल आइज भी कहते हैं क्या कहते हैं सिंपल आइज तो ओसेलाय सिंपल आइज वो आइज है विच चेक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रिसीव कर रही है विच परसीव्स

विजन कौन सा विजन बच्चों मोज़ेक विजन ये जो मोज़ेक विजन है हाईली सेंसिटिव होता है इट शोस हाई सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन ठीक है यस yes, बिल्कुल शाओमी की तरह तो हाई सेंसिटिविटी है सेंसिटिविटी ज्यादा होती है नाइस की बट इनका रेजोल्यूशन कम होता है अगर आप अपनी आंखों से इनकी तुलना करें तो ठीक है बच्चों तो ये हो गए हमारी कंपाउंड आइस अब कंपाउंड आइस की बात चलते हैं वो है हमारी तीसरी तरह की चीज जो कि इनके हेड पे प्रेजेंट होती है जो वन पेयर होती है जो टिंग 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 यस टिंगा टिंगा टिंगा, टिंगा 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 क्या होती है वो एंटेनास कैसे है इसके एंटेनास फिलीफॉर्म एंटेनास कैसे हैं बच्चों फिलीफॉर्म एंटीनास ये हमारे क्या होते हैं वन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इनके दो फंक्शन होते हैं पहले तो ये सूंघने का काम करता है और सूंघने को अंग्रेजी में ऑल्फैक्शन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों सूंघने को अंग्रेजी में ऑल्फैक्शन ठीक है वहीं पे ऑल्फैक्शन के साथ जो दूसरा इनका काम होता है वो होता है टैक्टाइल रिसेप्टर यानी कि वाइब्रेशंस को भी नापते रहते हैं ठीक है यस टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाइब्रेशन रिसेप्टर्स ठीक है बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पे अब इसके बाद जो हेड में प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमने अभी पढ़ा वो क्या है इसके माउथ पार्ट्स क्या है जी स्क्वायर आर्मी वो है इसके माउथ पार्ट्स अगर माउथ पार्ट्स की बात करें बच्चों तो इसके बाद जो तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ठीक है यस yes. कैसे होते हैं बच्चों बाइटिंग एंड चুইंग टाइप इसके माउथ पार्ट्स होते हैं और इन माउथ पार्ट्स में कौन-कौन से ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी इतना लिख लिया सबने नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि सारे के सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी तो इसलिए क्लास में फुल अटेंटिव रहो फुल चैट्स में पार्टिसिपेट करो फुल याद करो बस समझो लिखो मत सारे नोट्स दे दूंगी तुम्हें मेरे को क्या करना है नोट्स का ठीक है अब माउथ पार्ट है तो इसका जो अपर लिप अब बताओ अपर लिप का क्या नाम था विजुअलाइज करो याद करो हमने क्या अपर लिप क्या है अपर लिप का नाम है लेबरम क्या नाम है बच्चों लेबरम विच इज आर अपर लिप ये जो अपर लिप होता है इसका एक फंक्शन होता है कि इसके पास गस्टेटो रिसेप्टर होता है भाई ये भी खाना स्वाद के हिसाब से खाता है अगर तड़का नहीं लगाया ना दाल में खाएगा नहीं भाई हमारा गुल्लू ठीक है तो इसके पास क्या होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर गस्टेटो रिसेप्टर का आम जनता की भाषा में मतलब होता है टेस्ट रिसेप्टर्स क्या मतलब होता है इसका टेस्ट रिसेप्टर स्वाद अनुसार अगर तुमने स्वाद अनुसार नमक नहीं डाला तो खाएगा नहीं भाई अगला ठीक है फिर आते पे बच्चों लेबरम के बाद आते हैं हम इसमें अपर जॉ अपर जॉ क्या था अपर जॉ मैक्सिला क्या था अपर जो बच्चो? What was the अपर बच्चो मैग्जिला ये मैग्जिला का काम होता है खाने को पकड़ के रखना कि वो उसके खिसक ना जाए खाने को पकड़ेगा तभी तो निकलेगा ना तो पकड़ने का काम किसका है इट होल्ड द फूड क्या काम कर रहा है होल्ड द फूड होल्ड द फूड मैगजिला जैसे कि वो छूट ना जाए फिर उसके बाद आता है हमारा हाइपो ये जो हाइपो है ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है टंग लाइक -like स्ट्रक्चर टंग होती है बेसिकली कॉकरोच की और यहीं पे रिसीव होती है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ठीक है मैम पॉटी भी तड़के वाली खाता है क्या मैम डॉक्टर ने ना ये तो आप बेटा इस पे खोज करनी पड़ेगी ट्राई करो बेटा ट्राई करो एक दिन तड़के वाली दाल खाओ एक दिन बिना तड़के वाली

एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ ठीक है बच्चों सब अलर्ट रहेंगे वैसे भी हम डेली मिलते हैं रात के दस बजे अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा चलो डाउट क्लियर आज का डक रिसीव कर रहा है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड किसकी डक्ट रिसीव कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड की जैसे कि टंग जो है खाने को किसके साथ मिक्स कर सके सलाइवरी ग्लैंड के साथ इसके बाद इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है मैंडिबल्स क्या नाम है मैंडिबल्स Mandibles क्या होते हैं कटिंग ऑफ फूड ये कट करते हैं, हैं करते है खाने को, यही है जो खाने को काटने का काम करते हैं फिर आते हमारा लिप ये क्या हमारा लोअर लिप है ये जो हमारा लोअर लिप है ये प्लेट की तरह काम करता है एक्ट एज अ प्लेट जिसके ऊपर खाना रखा हुआ है ठीक है अब ये सब मिलके जो है खाने को मुंह के अंदर डालेंगे ठीक है बच्चों ये भी पार्ट समझ में आ गए हेड पार्ट समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एवरी हेड पार्ट क्लियर है चलिए अब मैं चल रही हूँ पार्ट पे इसके यानी कि अब हम जो है थॉरेक्स की बात करेंगे अगर थॉरेक्स की बात करें कॉकरोच की तो इसमें कितने सेगमेंट से यस yes, कितने सेगमेंट थे से? तीन सेगमेंट थे कितने सेगमेंट से बच्चों ये तीन सेगमेंट से बना है थॉरेक्स ऑफ कॉकरोच ठीक है जिसमें पहले वाले का क्या नाम है पहला दूसरा तीसरा ठीक है पहले वाले का क्या नाम है बच्चों पहले वाले का नाम है या हम इसको हैं प्रोनोटम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको हम बोलते हैं प्रोनोटम वहीं पे जो बीच वाला है हिस्सा उससे हम क्या बोलते हैं मीजोथॉरिक्स क्या बोलते हैं बच्चों उसको उसको हम बोलते हैं मीजोथोरक्स फिर जो लास्ट वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेटा थोरैक्स क्या बोलते हैं उसे मेटाथोरैक्स यही है ना तीनों हिस्सों का नाम ठीक है अब प्रोनोटम जो है हेड से जुड़ा है प्रोनोटम प्रोथोरैक्स किससे जुड़ा है हेड से गाय इन दोनों के बीच में नेक होती है या नहीं होती है पता नहीं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने यही तो याद कराना है छोटी-छोटी चीजें यस होती है या नहीं होती है मेरे बच्चों तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक नेक होती है और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और उसी फ्लेक्सिबल नेक के कारण जो है हमारा प्रोनोटम किससे जुड़ा होता है हमारे हेड से ठीक है बच्चों यहाँ पे पहली पेयर ऑफ टंगड़ी कबाब बाहर निकलते हुए जिसका नाम है प्रोथोरेसिक लेग क्या है इसका नाम प्रोथोरेसिक लेग यहाँ पे वन पेयर ऑफ टंगड़ी कबाब यानी प्रोथोरेसिक लेग यहाँ से निकलती हुई वहीं पे मीजोथोरेक्स की बात करें तो मीजोथोरेक्स के पास से निकलती है मीजोथोरेसिक लेग क्या निकलती है बच्चों मीजोथोरेसिक लेग निकलती है ठीक है वहीं पे यहाँ से पहला पेयर ऑफ विंग भी निकलता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग यहाँ से निकलता है ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग होता है ये डार्क होता है लेदरी होता है शाइनी होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है क्या कहते हैं इसको यस yes, जल्दी से बताओ ये डार्क होता है लेदरी होता है शाइनी होता है और ये किसके लिए यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ऐसे पंख को हम क्या कहते हैं टेगमीना और इलाइट्रा क्या कहते हैं ऐसे पंख को टेगमीना बोल सकते हैं या इलाइट्रा बोल सकते हैं दोनों ही शब्द नीट के लिए इंपॉर्टेंट है फिर आते मेता मेता से क्या निकलेगा चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में चलो चलो यहाँ से निकलेगी मेटाथोरासिक लेग क्या निकलेगी मेरे बच्चों यहां से मेटाथोरेसिक लेग निकलेगी और यहां से निकलेगा सेकेंड पेयर ऑफ विंग क्या निकलेगा सेकेंड पेयर ऑफ विंग जिसका न... क्या काम है ये ट्रांसपेरेंट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है ये फ्लाइंग होता है मान लो कि कॉकरोच है ऊपर से उड़ भी रहा है जय हिंद ऐसा मेरे एक दिन क्लास में हुआ था भाई मैं ही जानती हूँ कैसे मैं भागी थी <laughs> ठीक है ट्रांसपेरेंट होता, होता है और किसके लिए यूज होता है ये फ्लाइंग के लिए यूज होता है इस तरह के विंग को हम बोलते हैं हाइंड विंग क्या बोलते हैं ऐसे विंग को हाइंड विंग क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर है बता दे सब चैट बॉक्स में थम्स अप लगा दे तो और भी मजा यस, मैम बट दिस टॉपिक डिलीटेड तुम्हें क्या लगता बच्चा? ये में तीन हजार बच्चा बैठेगा लाइव है <laughs> बताओ तो या तो ये सब पागल है या मैं पागल हूँ या हम दोनों पागल है तुम होशियारो चूज द बेस्ट आंसर मतलब ठीक है मान लो कि मैं डिलीटेड भी पढ़ा रही हूँ तो बट आई कैन प्रोमिस की तीन हजार बच्चा अपनी रात की नींद खराब करने के लिए तो नहीं आएगा इस टॉपिक के लिए यस बच्चा अब आते हैं लेग ऑफ कॉकरोच पे जिसका हमने पूरा स्ट्रक्चर अभी देखा है ठीक है बच्चों यस तो सबसे पहले जो हिस्सा इसके एब्डोमेन से अटैच होता है उसका नाम होता है कॉक्सा क्या नाम होता है उस हिस्से का कॉक्सा जिससे ये एब्डोमेन से अटैच होता है टंगड़ी कबाप ठीक है फिर यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा आता है जो इसको आगे के हिस्से से जोड़ेगा जिसका नाम है ट्रोकैंटर क्या नाम है बच्चों इसका ट्रोकांटर से इसका एक और हिस्सा जुड़ा होता है, वो है क्या फीमर क्या नाम है इसका फीमर फीमर से यहाँ पे जुड़ी होता है इसका सबसे लंबा हिस्सा टंगड़ी कबाब का जिसका नाम होता है टिबिया क्या नाम होता है इसका टिबिया टिबिया के आगे भी पांच ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पांच ठीक है ये रहे इनको हम कहते हैं टार्सस, टार्सस क्या कहते हैं इसको और जीए है हमारे क्लॉ क्लॉ किस सरफेस पे मूव करने पे हेल्प करते हैं रफ या स्मूथ, किस पे हेल्प करेंगे क्लॉ मूव करने के लिए से, हम्म रफ या स्मूथ <coughs> रफ या स्मूथ किस में हेल्प करेगा तो ये जो क्लॉज है इसे रफ सरफेस पे मूव करने में हेल्प मनी, तो मनी को बचाने वाले भी लोग है इसको बचाने वाली भी चीजें हैं तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो मैम ने रेड कलर से स्पेसिफिकली बनाए हैं ये इसके एडहेसिव पैड्स है कौन से बच्चों एडहेसिव पैड्स ठीक है इन एडहेसिव पैड्स को हम पल्विलस कहते हैं क्या कहते हैं पल्विलस और ये जो एडहेसिव पैड्स होते हैं ये से स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए हेल्प करते हैं किस पे चलने के लिए हेल्प करते हैं स्मूथ सरफेस पे चलने के लिए हेल्प करते हैं तो ये हो गई कॉकरोच का टंगड़ी कबाब ठीक है अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट हिस्से की ओर जिसका नाम है एबडोमिन क्या नाम है मेरे बच्चों इसका एबडोम के अंदर इसके पास होते हैं टेन सेगमेंट कितना दस का दम होता है, है. यानी कि इसके पास होते हैं सेगमेंट्स 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 कितने जी स्क्वायर आर्मी दस सेगमेंट्स होते हैं इसके पास ठीक है बच्चों न्यू प्लांट फैमिली बेटा मुझे बनाना है दो दिन जेनुअली मेरे को टाइम नहीं मिला ध्वनि की सुबह से इतनी तबियत खराब थी कि शी इज किन्स्टेंटली क्राइंग मैं जानती हूँ मैं कैसे छोड़ के आई हूँ आज उसे ठीक है मैं बना दूंगी भरोसा रखना सच में बना दूंगी ठीक है अब आते बच्चों हैं बच्चों नेक्स्ट टेन सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में अब एब्डोमेन की जब हम बात करते हैं तो ऊपर से ये भूरे रंग का होता है नीचे से ये सफेद रंग का होता है राइट और रॉन्ग यस तो आइए डायग्राम बनाते हैं बच्चों इसका ऊपर से ये थोड़ा सा भूरे रंग का होता है डोर्सल साइड से अगर आप देखेंगे ऐसे कभी प्यार की नजरों से बेटा हर चीज को प्यार की नजरों से देखना चाहिए सच बता रही हो क्या हो गया कॉकरोच है तो मतलब प्यार नहीं दिखाओगे इसे रही हूं इसके वेंट्रल साइड ये इसका वेंट्रल साइड है धरती से छूने वाली साइड इसको और वेंट्रल साइड तो ये वेंट्रल साइड है ठीक है बच्चों और यहां पे इसके पास और दो प्लेट्स है साइड प्लेट्स ये देखिए इस तरीके से ये देखिए अब जरा इसको समझिएगा क्या कीजिएगा थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा हम हमने देखिए जरा ठीक है यस अब देखो इधर अरे करा दूंगी बायोलॉजिकल क्लास में मारेंगे तुमको पढ़ो चुपचाप से इधर ये डॉट साइड है ये वेंट्रल साइड है और ये कौन सी साइड है इसकी लेटरल साइड ये कौन सी साइड है इसकी लेटरल साइड ठीक है मेरे बच्चों ये लेटरल साइड है डन अब देखो जो डॉर्सल साइड पे काइटिन की प्लेट होगी क्या बोला मैम ने डॉर्स साइड पे जो काइटन की प्लेट होगी उसे टर्गाइट कहते हैं क्या कहते हैं की प्लेट को टर्ग ठीक है जो प्लेट इसकी दोनों लेटरल साइड पे होगी काइटन की उन्हें कहते हैं प्लूराइट क्या बोलते हैं इन दोनों को प्लूराइट जो प्लेट जो काइटन की प्लेट इसकी वेंट्रल साइड पे होगी उसको कहते हैं स्टर्नाइट क्या बोलते है इस इस हैं इस प्लेट को बच्चे स्टर्नाइट तो यानी कि एक सेगमेंट के पास कॉकरोच के एक सेगमेंट के पास कितनी काइटिन प्लेट्स होती हैं जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में तो कॉकरोच के एक सेगमेंट के पास चार काइटिन प्लेट्स होती हैं जिसमें से एक टर्गाइट होती है एक स्टर्नाइट और दो प्लूराइट क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जानवर है मेरे बच्चों बहुत ही फ्लेक्सिबल जानवर है ये देखिए, अभी बताती हूँ कैसे ये देखिए, हर एक प्लेट जो है आपस में जुड़ी होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है आर्थरोडियल मेंब्रेन क्या नाम है उसका आर्थरोडियल मेंब्रेन इसी मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्या है इसी का दूसरा नाम शादी की बारात आ गई यार बाहर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन यस बारात आ गई नाचो 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 यस और नहीं तो दूसरों की खुशियों में एंजॉय तो कर लो कम से कम तुम्हारी नहीं हो रही तो दूसरों की तो हो रही है ठीक है तो ये है हमारी आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्रेन यही इस कोको राजा को क्या देती है फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे ये कहीं से भी निकल जाता है कहीं पे भी घुस जाता है ठीक है तो ये नीट का क्वेश्चन है यही दिस इज मेंसिबल फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ कोको राजा ठीक है बच्चों यस कोको राजा डेन चलो अब आगे चलते हैं एब्डोमेन पे चल रहे हैं यहां पे पैरामीटर ले रहे हैं यहां पे ले रहे हैं मेल का एबडोमिन यहां पे ले रहे हैं फीमेल का एबडोमिन मैं बिल्कुल हमेशा से अलग करके पढ़ाती हूँ बिकॉज एनसीआरटी में बहुत ही बेकार लिखा हुआ है ठीक है हाँ आज सजेशन बहुत आ रहे हैं चैट बॉक्स में है मेरे बच्चों आज इतने सजेशन आ रहे हैं चैट बॉक्स में जैसे कि ज्ञान की गंगा मेरे ही चैट बॉक्स में बटेगी यस चला दो तो सबसे पहला पैरामीटर शुरू करते हैं द शेप ऑफ एब्डोमेन किसकी कैसी शेप है ठीक है तो अगर मेल कॉकरोच की बात करो तो ये क्या है लीनर नैरोअर होता है ठीक है थोड़ा सा पतला होता है इसका एब्डोमेन ठीक है वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का एब्डोमेन क्या है ब्रॉड है क्योंकि उसे बच्चे वहां पे पालने हैं ठीक है तो क्या है ब्रॉडर होता है फीमेल का एज कंपेयर टू मेल डन बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट भाई बारात बिल्कुल बाहर आ चुकी है स्टूडियो के बिल्कुल बाहर है यार पढ़ाया नहीं जा रहा मेरे को बहुत चिल्लाना पड़ रहा है उसके कारण यस अभी बस दो मिनट में खिसक जाएगी <laughs> बस खिसक रही, है, रही है। उसको भी जल्दी महबूबा ले जाने की बात करें तो इसके पास भी दस टर्गाइट है उसके पास भी दस टर्गाइट है कोई डिफरेंस नहीं है भाई ऊपर से देख रहे इसके पास भी दस है इसके पास भी दस है कोई डिफरेंस नहीं है अब आते स्टरनाइट पे यानी कि इसका वेंट्रल साइड की बात हैं स्टरनाइट तो अगर मेल की बात करें तो इसके पास नाइन स्टर्नाइट है नाइन विजिबल स्टर्नाइट कितने हैं नाइन विजिबल स्टर्नाइट है नौ हम देख सकते हैं ठीक है यस yes. बट अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में घपला है फीमेल में क्या है ना सात आठ नौ एक बना लेते हैं तो यानी है कि देर इज अ फ्यूजन ऑफ सेवन एट एंड नाइन्थ टर्गाइट टू फॉर्म अ बोर्ड शेप एबडोमिन ठीक है क्या है बच्चों सेवेंथ एट एंड नाइन्थ स्टरनाइट फ्यूज टू फॉर्म बोट शेप एबडोम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट ठीक है यस मॉय मॉय फॉर साउंड प्रूफ शीट्स यस 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 कोई फायदा नहीं वापस कर दे के आऊंगी इनको एनल सरकाय किसमें है किसमें नहीं है इसमें भी है इसमें भी है ठीक है फिर आते हैं स्टाइल, भाई एनल स्टाइल का दूसरा नाम है स्टाइल, क्या है दूसरा नाम कॉर्डल स्टाइल इसमें है इसमें नहीं है ठीक है बच्चों तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अब आते हैं इसके यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे लिख लो भाई लिख लो इसको <laughs> इतनी तेज आवाज आ रही है ना पूछो मत ऐसा लग रहा है पता नहीं खाने में क्या बनाया होगा आज की शादी में सही में यार मन होता है मन नहीं हो सकता शादी में जाने का वहां लोग रात के दस बजे शादी मना रहे हैं बराते ला रहे हैं और यहाँ पे देखो बच्चों पढ़ा रहे हैं yes. <laughs> सही में चला जाओ अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड सिस्टम पे इसके दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच

अब यहां हैं सलाइवरी ग्लैंड कौन आते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड हो गए हैं क्या अब पटाके भी फोड़ेंगे यार. कितने है कितने है है, जिनका मेन काम है है है, is, क्या है टू सिक्रीट सलाइवा ठीक है बच्चों फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे दैट इज सलाइवरी रेज क्या है बच्चों सलाइवरी रेज कितने पेयर था सलाइवरी रेजरवायर जी स्क्वायर आर्मी ये था हमारा वन पेयर कितना सलाइवरी रेजरवायर था वन पेयर टू पेयर वन पेयर टू पेयर यहाँ पे वन पेयर और क्या फंक्शन था टू स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट सलाइवा ठीक है यस क्या फंक्शन था टू स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट सलाइवा स्टोर भी करेगा कॉन्सेंट्रेट भी करेगा सलाइवा को ठीक है उसके बाद जो है खाना और सलाइवा, मिक्स कहा जाएगा अब जाएगा जाएगा? ये esophagus में जाएगा. Esophagus भी हमारा क्या है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी किससे लाइंड है क्यूटिकल से ये भी किससे लाइंड है बच्चों ये भी क्यूटिकल से लाइंड है फॉर प्रोटेक्शन उसके बाद खाना कहाँ जाएगा स्टोर होने के लिए ये स्क्वायर आर्मी अब खाना जाएगा क्रॉप में क्रॉप का मेन फंक्शन क्या था टू स्टोर फूड स्टोर भी करेगा सॉफ्टनिंग ऑफ फूड भी होगा क्या होगा बच्चों स्टोरेज स्टोरेज ऑफ 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 फूड 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 एंड एंड सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग ये कहा होगा क्रॉप में होगा अब क्रॉप के बाद जी फोर जी फोर जी फोर जी फोर जी फोर जी फोर गिजर जी फोर जी फॉर गिजर तो यहाँ हमारा जिसका दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस क्या दूसरा नाम है इसका प्रोवेंट्रिकुलस ठीक है इसका जी से याद रखना है क्या फंक्शन है ग्राइंडिंग क्या फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ फूड और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए इसके पास क्या है मेरे बच्चों इसके पास है सिक्स काइटिनस प्लेट्स क्या है इसके पास सिक्स काइटनर्स टीथ जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेंगे अब जो खाना ग्राइंड होकर जाएगा डाइजेशन एंड एब्सॉर्पन के लिए जिसके लिए उसे एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम्स कहां से आएंगे hepatic, Cica, hepatic Cica, और गैस्ट्रिक सीका हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका ठीक है कितनी टिब्यूस होती है ये होती है सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्रिब्यूल्स कितनी होती है सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्रिब्यूल्स और यहां से सिक्रीट होता है एंजाइम क्या सिक्रीट हो रहेजेशन और ये कहां पर होते हैं प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश यस दर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश जंक्शन ऑफ फोर गार्ड एंड मिड गारेक है उसके बाद नेक्स्ट पे आ रहे हैं यहां से जो खाना है अब कहा जाएगा अब डाइजेशन एंड के लिए जाएगा मिडगार्ड जिसका दूसरा नाम है क्या है बच्चों नाम है मिजेंट्रॉन क्या नाम है बच्चों मिजेंट्रॉन ठीक है अब ये जो मिड ग्रॉन है ये क्या काम कर रहा है यहीं पे एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जिसका नाम है पेरी मेम्ब्रेन क्या नाम है उसका ठीक है पहली चीज ये प्रोटेक्शन करेगी ना कि क्यूटिकल तो यानी कि क्यूटिकल बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन भी हो रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट पे नाइंथ नाइंथ मिडगट के बाद जो खाना है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होने के लिए पहले कहाँ जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये आ गए आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये कितने नंबर में मैम ने बताए थे यस कितने नंबर में बताए थे चलो 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 जल्दी 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 हां जी जल्दी 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 कितने मैम ने नंबर में बताए थे ये बताए थे हंड्रेड से वन नंबर क्या कलर मैम ने इनका बताया था येलो इन कलर येलो इन कलर कौन से जंक्शन पे प्रेजेंट थे यस, जंक्शन ऑफ मिडगार्ड एंड क्या फंक्शन था इनका एक्सक्रीशन मेजर फंक्शन क्या है एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकते हैं बच्चों यूरिक एसिड क्या फेंकते हैं मेरे बच्चों यूरिक एसिड जिसके कारण ये एनिमल क्या हो जाता है यूरिको टेलिक ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट वे मैल फिजन के बाद ये जाएगा इलियम एंड कलोन यहां पे एब्जॉर्पन होगा वॉटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स उसके बाद डिफिकेशन के लिए कहा जाएगा बच्चों रेक्टम और रेक्टम से फाइनली आउट हो जाएगा कहा एनस बस खत्म सिस्टम सिस्टम खत्म पैसा हजम हम्म सिस्टम खत्म पैसा हजम बस इतना सही है और कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर जो कि हमारा तीसरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा बच्चों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बड़े सिस्टम से पहले मैं थोड़ा एसी चला लू यार बहुत गर्मी लग रही है लाइटों के कारण एक सेकंड रुको तो बच्चों चला के आती हूँ वाटर ब्रेक ले लो पानी पी लो यस चलो अब आते हैं अच्छा यहाँ से तो ऑन किया नहीं स्विच ऑन करके आ गई क्या रे क्या गुरुजी चल जा बहन बाय वट एवर धोखा मत दे गर्मी लग रही है बाहर चल जाएगा चलो तब तक पढ़ा लेते हैं हाँ चलो आ जाओ तो यहाँ पे आ रहे तो सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ रहे बच्चों सर्कुलेटरी कोई नहीं बेटा नींद आएगी कोई नहीं मैं तो खड़ी तो 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 हूँ घर तो में, तो तो। तो में। लेक्चर ओवर होते ही अपना कंबल तान के सो जाएगा यहाँ तो पूरा जाके अभी कार्यक्रम चलेगा यस सोचो दस्ट हो काम होते हैं तुम्हें नोट्स भेजो ये करो वो करो अरे मेहनत करो सो so, तेरे को कॉल आ गया कि ये पेशेंट है उसका इलाज करना है फिर क्या करेगा ना यार मेरे को नींद आ रही है मरने देखो उसको। से। आ जा सर्गुलेटरी सिस्टम की बात करते सर्गुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम हार्ट की बात करेंगे इसके दिल की अगर इसके हार्ट की बात करें तो या वेंट्रल चल बता जल्दी यस जल्दी कहां पे प्रेजेंट है ये डॉर्सल साइड पे इसका हार्ट प्रेजेंट होता है कितनी लेला आ सकती है इसके दिल में तेरह लेला आ सकती है यानी थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट होता है कैसा हार्ट होता है इसका थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट इसका होता है ठीक है फिर तीसरी चीज कौन सी मसल से सपोर्टेड है ट्वेल्व पेयर ट्वेल्व पेयर पैन शेप्ड पैन शेप्ड मसल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं एलरी मसल्स क्या कहते हैं इन मसल्स को एलरी मसल्स कहते हैं ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट हार्ट के बारे में कम और बच्चों हां जी हार्ट की कुछ ओपनिंग्स होती है उसे क्या कहते हैं ऑस्टिया हार्ट की ओपनिंग्स होती हैं इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं ऑस्टिया इनका हार्ट न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक है दिल की सुनता है या दिमाग की सुनता है बताओ जल्दी न्यूरोजेनिक हार्ट है कैसा हार्ट है न्यूरोजेनिक यानी कि द हार्ट इज बींग रेगुलेटेड बाई कौन रेगुलेट कर रहा है नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा है nervous system regulate कर रहा है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ की अगर बात करें व्हाइट कलर का होता है या रेड कलर का होता है कैसा होता है कलरलेस होता है कैसा होता है बच्चों कलरलेस होता है because it is without RBC, without RBC and hemoglobin. ठीक है कुछ है नहीं होता बल्कि इसके पास सिंपल सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं को हीमोसाइट्स कहते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लस ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका वो ओपन है या क्लोज है इसके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका मतलब इट इज विदाउट कैपलरीज क्या है बच्चों ये ये है without capillaries. ये हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है कोई चीज रह तो नहीं गई बता देना नेक्स्ट आ रहे बच्चों फोर्थ सिस्टम पे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कॉकरोच की तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके पास कौन सा सिस्टम है ट्रेकियल ट्यूब्स का सिस्टम है किसका सिस्टम है ट्यूब्स ट्यूब्स का का सिस्टम है है ठीक हर ट्यूब की ओपनिंग होती है हर ट्यूब की क्या होती है ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं स्पायरिकल्स क्या कहते हैं ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं और ऐसे कितने स्पायरिकल्स होते कॉकरोच के पास बीस टेन पेर या ट्वेंटी स्पाइरिकल्स होते हैं और हर स्पाइरिकल को कौन गार्ड करता है स्फिंस्टर कौन गार्ड करता है इनको स्फिंस्टर मसल्स गार्ड करती हैं स्फिंस्टर मसल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो वहां से डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो गया मैं बता रही हूं ना थ्री डी करने के बाद टॉपिक तो बहुत छोटे 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 रह जाते हैं हाँ बहुत छोटे 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 चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब इसके बाद फिफ्थ सिस्टम पे हम चलते हुए दैट इज आर एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा मैलपीजियन ट्युब्यूल्स जिसके बारे में हमने जस्ट अभी लिखा है मैलपीजियन ट्युब्यूल्स की कौन सी एपिथीलियम होती है ये और बता दो क्योंकि ये और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस yes, किड्स कौन सा देखा था 3D में कौन सा देखा था 3D में यस yes, मेरे बच्चों कौन सा देखा था 3D में तो यहाँ पे मालपीजियन ट्यूबल्स की जो एपिथेलियम है वो है सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन सी है सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम याद रखना नलाको गधेड़ों ठीक है यस yes. ये क्वेश्चन है इसके अलावा इनके पास फैट बॉडीज होती हैं इसके अलावा इनके पास एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रोसाइट्स होते हैं और इसके अलावा इसके पास होता है यूरिकोस ग्लैंड ये सिर्फ मेल में ही करता है एक्सक्रीशन फीमेल में इट इज नॉट प्रेजेंट ठीक है ये भी एक बड़ा यूरिकोसाइट यूरिकोस युरी, ग्लैंड तो उसमें होता है यस हम्म सही है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे यानी कि इसके ओए रुको यार स्लाइड खत्म हो गई रुको 2 सेकंड का ब्रेक ले लो अभी तो रह गया चैप्टर पानी पी लो पानी पी लो बारात भी चली गई यार अब अकेला पर महसूस हो रहा है बारात भी चली गई सबकी बाराते आई सबकी बाराते आई ये वो गाना सुना है जिसमें टेस हुए बहा, बहा के बहा बहा के उर्मिला मातोकर बुला रही होती थी ऐसे सबकी बाराते आई जाना। आशिक मुझे ना छोड़ के जाना ठीक है ऐसे कुछ गाया था उसने बड़ी बाहिहात मूवी लगी थी बहुत ही इमोशनल उसी में ना शक्ति कपूर एक डायलॉग बोलता है क्या चीज कट पीस मतलब उससे बड़ा ना मैं क्या उदू मैं देखा ही नहीं जिंदगी में यार देखा ही नहीं सच बता रही चलो नर्वस सिस्टम पे आ रहे बच्चों नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में सिंस ये एक नॉन कॉर्डेट है ठीक है क्या है नॉन कॉर्डेट तो इसका क्या होगा वेंट्रल डबल सॉलिड ठीक है यस कभी तो सही लिरिक्स गा दो मैम थैंक्स बेटा मधु शी गॉट मी यानी कि वो हर रोज मेरी क्लास में आती है आई लव्ड इट मधु इज माय फेवरेट बच्ची फ्रॉम नाउ Yes, क्योंकि उसको पता है कि मैम कभी सही लिरिक्स नहीं गाती बट ये वही बता सकता है जो डेली क्लास में होता है सो so, आज मेरी एक ही फेवरेट बच्ची है उसका नाम मधु है यस yes, बिल्कुल क्योंकि उसने ऐसी चीज ऑब्जर्व की की जो किसी ने नहीं, नहीं की। वो जाग भी रही है वो ऑब्जर्व भी कर रही है वो पढ़ भी रही है वो नीट भी क्लियर कर जाएगी गधेड़ो तुम देखते रह जाओगे हाँ नीतो ऑब्जर्व करो चीजों को बैठ के बस बातें बनाते रहते मेरी क्लास में हाँ नी तो चार पांच, छ सात आठ नौ बना लो नौ चलो भाई आ जाओ ठीक है तो इस तरीके से नंबर सिस्टम मैम जोंग सूख को भूल गए। अरे जोंग सूख भी आता है तुम्हें तो पता नहीं है हमारी क्लास में कौन कौन आते हैं कोरिया से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए देख रहे हो तुम बाकी टीचर्स की क्लास में हाँ जाते हैं निब्बी निब्बा छपरी वन छपरी टू छपरी थ्री इस क्लास में कोरियन बच्चे भी आ रहे हैं देख रहे हो तुम यस देख रहे हो तुम तुम्हें नहीं पता भाई ये इंटरनेशनल दबदबा है इंटरनेशनल यस ये हर कोई नहीं बना पाता मेरी क्लास में रेगुलरली तीन महीने से बच्चा आ रहा है जोंग सुख कहीं नहीं देखेगा तुम्हें देख रहे हो भाई तुम्हें पता क्या है दबदबा है है यस जाओ मैं अभी तो ये ये इसका नर्वस सिस्टम पढ़ाने दो मुझे ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे नर्व रिंग कहते हैं नर्व रिंग क्योंकि रिंग की शेप में है और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो कि उसके थॉरक्स प्लस ये तो हेड में है उसके ये थॉरक्स प्लस एब्डोमेन एबडोमेन में जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों इसे हम बोल रहे हैं वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड ये बोल रहे हैं इसको ठीक है यहाँ पे ऊपर एक गैंगलिया दिख रहा है नीचे गैंग मैम आप क्रिएटर्स अवार्ड में अरे बेटा वो एक्चुअली ना इनविटेशन आ गया था मैं तुम्हें रियल स्टोरी बता देती हूँ इनविटेशन आ गया था फिर हमको पता लगा कि <coughs> वहाँ पे ना जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो सबका मजाक बनाने वाले हैं तो हम कह ये, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा है ना बच्चे गुस्सा हो गए तो अगर हमें तो तो yes, तो था बट फिर तुम्हारे कारण में फिर रुक गई क्योंकि मेरी प्राइडी जीवन में क्या है तुम लोगो है ना बच्चों तो फिर वो ऐसा कोई जोक मारते तुम कहते यार ये गलत हो गया ये ये नहीं सहन होगा मैम हम होते तो हम नहीं सहते टाइम वेस्ट होता कंट्रोवर्सी बनती इसलिए अपन मिस कर दिए बिल्कुल यस मिस कर अपन कह के नहीं जाएंगे बच्चों के खातिर हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी हमारे बच्चों का अगर टाइम वेस्ट हुआ तो हम नहीं जाएंगे बस सही किया ना थैंक्स बेटा चेतन ने देखो कितना प्यार बच्चा है चेतन ने वो समझ गया मैम की भावना थैंक्स बेटा थैंक्स फिर हम किसी और को देती है ऊपर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सुपरा ईसोफेजियल गैंगलिया ठीक है बच्चों और जो ईसो से नीचे है उसका नाम क्या हो जाएगा सब ईसोफेजियल गैंगलिया ठीक है क्या हो जाएगा सब ईसोफेजियल ठीक है? तब से सोए पड़े थे। जैसी स्टोरी है? आगे करने के लिए कि दूसरों के लिए कमेंट करने के लिए जाग सकते हैं यही दिखाना चाह रही थी मैं तुम्हें ये ऐसी होती है दुनिया इनसे बचना तुम्हें आप देखो बेटा ये गैंगलिया हो गए एक ब्रेन की तरह काम कर रहा है सुपरा वाला ये ब्रेन की तरह काम कर रहा है ठीक है अब आते हैं गैंग्लिया पे तो तीन गैंग्लिया कहां प्रेजेंट है थोरैक्स में बाकी छह गैंग्लिया कहां प्रेजेंट है एब्डोमेन में तो बेसिकली जो इसका पूरा नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड है एक जगह नहीं है ठीक है यस एक जगह नहीं है पूरी बॉडी में स्प्रेड है तो इसलिए अगर हम इसका हेड कट कर देंगे तब भी ये 7 डेज तक सरवाइव करेगा अल्टीमेटली बेचारा क्यों मरेगा बिकॉज़ ऑफ स्टारवेशन भूख से मरेगा इसलिए नहीं कि इसके पास दिमाग नहीं है इसलिए कि ये भूखा है ठीक है बस बच्चों, हाँ गैंगलिया क्या होता है द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज क्या होता है ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को कहते हैं गैंगलिया सेल बॉडी होती है जब उसके होते कलेक्शन उसे कहते हैं ठीक है, है। बच्चों, आगे चले मैम माइक ठीक से लगाओ मैम वॉइस नहीं आ रही नया माइक ऑर्डर कर दो तुम लोग मेरे लिए यस yes, कर दो अब आप बिल्कुल मशरवाओ अब कर दो बस हाँ आपका अवार्ड थैंक यू बेटा हर्ष कोई नहीं बेटा आपके आगे ऐसे सौ अवार्ड कुर्बान नेक्स्ट आ रहे बच्चों नेक्स्ट है हमारा सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक मेल सिस्टम है एक फीमेल सिस्टम है चलिए आइए मेल सिस्टम की बात करते हैं आज मेल सिस्टम मेल सिस्टम तो मेल सिस्टम की बात करें तो पहला इसमें हम बात करेंगे टेस्टिस की भाई डायग्राम देखो और जल्दी से बताओ वन पेयर टू पेयर कितने पेयर कितने हैं यस निकल चलो भाई जल्दी बताओ जितनी है वन पेयर कितने हैं वन पेयर कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होते हैं फोर्थ से सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होती है और मेन काम क्या होता है भाई इसका ऑफ कोर्स स्पर्म बनाना शुक्राणु बनाना स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है मेन फंक्शन इसका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनाना ठीक है भाई पहला हो गया टेस्टिस अब आते दूसरा अब जो ये स्पर्म है ये स्पर्म बनके कहा जाएगा ये जाएगा वास्ट डिफरेंस में कहा जाएगा बच्चों ये ये जाएगा वास डिफरेंस में कहा जाएगा वास डिफरेंस ये जो वास डिफरेंस है दो टेस्टिस से दो ही ना वास डिफरेंस होगी ना लायको ठीक है तो ये भी क्या है वन पेयर और इसका मेन काम क्या होता है टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू इजैकुलेटरी डक्ट पार्सल का काम होता है भाई इसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना

रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है डे वन पे समझा दिया इनसे वो नहीं हुआ लास्ट डे तक एक्सटेंड कराई डेट ठीक है फिर से बेटा बुरा मत मानना हा? फिर उसके बाद एक्सटेंड होने का भी बता दिया फिर इनका ओ नहीं आया फिर नंबर बताया कि यहाँ पे कॉल कर लो प्रॉब्लम है ठीक है अब देखना फिर लास्ट डेट पे इनका यही होगा मैम एक्सटेंड करा दो जब तक तीस लाख का आंकड़ा पार ना हो जाए ना इस बार नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे कराते रहेंगे कराते रहेंगे यस ठीक है बुरा मत मानना बच्चों ठीक है अब आ तो ऐसे ही रास्ते में ना स्पर्म भी दिखाते हैं तुम्हें तो सबसे पहले कहा जाता है बच्चों सेमिनर वेसिकल कहा जाता है सेमिनर वेसिकल यहाँ पे क्या होता है सेमिनर वेसिकल में यहाँ पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है क्या होता है बच्चों स्टोरेज ऑफ स्पर्म यहाँ पे स्टोर होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होगा जब यहाँ पे स्टोर होगा तो इसके साथ खाना भी ऐड कर दिया जाएगा ठीक है बच्चों यानी कि अब ये जाएगा मशरूम ग्लैंड के पास दूसरा स्टॉप क्या है इसका मशरूम ग्लैंड मशरूम ग्लैंड के पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो तरह के टिब्यूल्स है यस yes. हाँ क्या है बच्चों दो तरह के टिब्यूल्स है एक है स्मॉल टिब्यूल्स और एक है लॉन्ग टिब्यूल्स एक क्या बच्चों लॉन्ग टिब्यूल्स जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स है उसका काम है खाने को ऐड करना इसका काम क्या ऐड फूड ये खाने को ऐड करेगा और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का काम है टू पैक स्पर्म्स यस इसका क्या काम है पैकेजिंग ऑफ स्पर्म ये स्पर्म को पैक करेगा पैकेजिंग ऑफ स्पर्म जैसे कि मान लो कि तुम जा रहे हो घर से एग्जाम देने के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हारा खाने का थैला पैक कर देंगी जा बेटा ये भी ले जा ये भी ले जा ये भी ले जा माँ को पता नहीं कि इनको कुछ हजम नहीं होना आज जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा बट माँ माँ होती है मेरे बच्चे ठीक है ये हो गया अब मशरूम ग्लैंड के बाद जो है नेक्स्ट है हमारा फैलिक ग्लैंड जिसका नाम है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इस नाम से भी बुलाया जाता है ये ठीक है ये जो ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है वो भी क्या करेगा पैकेजिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करेगा ठीक है बच्चों अब कैसे पैकेजिंग हो रही है आइए देखो मैं बताती यहाँ पे ये मान लीजिए हमारे स्पर्म हैं, ये सारे स्पर्म हैं. स्पर्म की पैकेजिंग तीन लेयर्स में होगी प्रोटेक्शन जैसे नायका का डब्बा आता है ना प्रोटेक्शन के साथ वैसे ही ठीक है ये देखिए पहला प्रोटेक्शन क्या है बच्चों सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मशरूम ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ मशरूम ग्लैंड फिर उसके बाद जो दूसरी कवरिंग है यहां पे वो कौन सी है बच्चों दिस इज सिक्रीशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट किसकी सिक्रीशन है बच्चों इजेकुलेटरी डक्ट की सिक्रीशन है इजेकुलेटरी डक्ट फिर उसके बाद एक और है यहाँ पे कवरिंग वो कवरिंग किसकी है बच्चों फेलिक ग्लैंड अब जाके जो है ये ट्रांसफर होने के लिए तैयार है इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पोमेटोफोर कहते हैं क्या कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पोमेटोफोर

ठीक है बच्चों जरूरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक है तभी फीमेल राजी होती है वरना होती नहीं है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले है ओवरी ओवरी वन पेयर होती है जो कि सेकंड से लेके सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में होती है एब्डोमेन के ठीक है हर ओवरी के पास मैम कॉर्डल स्टाइल फीमेल मेल में होता है नालायक यस yes. तो अब देखो, अब देखो पे जो ओवरी है हर ओवरी के पास आठ ओवेरियल्स होते हैं कितने ओवेरियल्स होते, होते हैं और हर ओवेरियोल में एक ओवा बनता है तो यानी कि कितने ओवा बने टोटल सोलह ओवा बनते हैं एक टाइम पे ठीक है बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट ओवरी हो गई अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओवरी से ओवा निकल के कहा जाएगा ओवरीडक् में कहा निकल के जाएगा ओवा ओविडक्ट जो कि क्या है वन है ओविडक्ट फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कॉमन ओविडक्ट में ओवा या ये जाएगा वजाइना में कहा जाएगा वजाइना यहां पे क्या है ओवा जा रहा है पैसेज फॉर ओवा पैसेज फॉर ओवा ठीक है बच्चों अब यही पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या है स्ट्रक्चर का नाम वन होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म स्टोरेज ऑफ स्पर्म तो आप देखो हो क्या ऊपर से ओवा आता जा रहा है नीचे से स्पर्म बैठा है ऊपर से ओवा गिर फर्टिलाइज फिर फर्टिलाइज फिर फर्टिलाइज इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है यस बिल्कुल ठीक है बच्चों चलो आ जाओ हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सुना है मैम का नाम बच्चा इतने बड़े बड़े अक्षर हो बिल्कुल सुना है अब देखो तो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रही है बॉडी के बाहर हो रही है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में यस जल्दी से बताओ तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता हुआ कि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा हो रही है बच्चों ये जेनाइटल चेंबर में फर्टिलाइजेशन के बाद और एक्सटर्नल ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है गधेड़े हाँ अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है बच्चों यस अब ओवी अब ये देखिए ये बन गया है हमारा ऊथी का और ऊ थीका के अंदर क्या है फर्टिलाइज एग्ज है ये क्या है फर्टिलाइज ये ग्लैंडा किसके सिक्रीशन ने बनाया कोलेटर ग्लैंड के सिक्रीशन ने बनाया जो कि वन पेर होते हैं ठीक है अब इसको ले करने के लिए ऊीका को ले करने के लिए बाहर शरीर के क्या है हमारे पास ओवी पॉजिटर जो इसको बाहर छोटे छोटे क्रेविसेस जितने भी हमारे लकड़ी के गेट होते हैं जो नीचे से टूटे फटे होते हैं वहां पर लेकर देते हैं वहां से कॉकरोच निकलते टका एक बार लग गए लग गए क्यों क्योंकि बहुत तेज रिप्रोडक्शन करते हैं ये एक टाइम पे नाइन ऊथी का ले करते हैं नाइन टू टेन लिख लो नाइन टू टेन ऊथी का ले करते हैं और हर ऊथिका में हर ऊथिका में फोर्टीन से फोर्टीन से अरे यार फोर्टीन से सिक्सटीन एग्ज होते हैं तो यानी कि एक टाइम पे डेढ़ सौ बच्चे निकलेंगे वाह डेढ़ सौ बच्चे एक बार में मजाक की बात नहीं है गाइस मजाक की बिल्कुल बात नहीं है इसे मजाक लेना भी नहीं है यस yes. अगर एक बार लग गए तो लग गए ठीक है अब इनके डेवलपमेंट की बात कर लो डेवलपमेंट अगर इनके डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनका जो डेवलपमेंट है वो पोरा मेटाबॉलरस है क्या बच्चों पोरा मेटाबॉलरस पोरा मेटाबॉलरस क्या होता है यानी कि यहां पे आपके पास एग एक्स से बना निम्फ निम्फ से क्या बना कॉकरोच यानी कि एडल्ट और इसके लिए कितनी मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है कितनी मोल्टिंग थर्टीन मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है कितनी मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है थर्टीन मोल्टिंग की जरूरत पड़ती है मोल्टिंग होता क्या है मोल्टिंग होता है शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जब वो ऊपर की केंचुई छोड़ देता है ठीक है यस शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ठीक है और इस मोल्टिंग के लिए जो हार्मोन चाहिए उसका नाम क्या होता है बच्चों मोल्टिंग हार्मोन एक डाइसोन इसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए एक डाइसोन जिसे हम मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं ठीक है बच्चों यस yes.

डे फॉर योर संडे टेस्ट पांच दिन लगातार क्लासेस रहेंगी विदाउट ब्रेक मंडे टू फ्राइडे सैटरडे को मैं रिविजन दूंगी रिविजन डे संडे को आपकी फ्री टेस्ट सीरीज से शुरू हो जाएगी आने वाले. Yes, I think इस तरीके से बायो करोगे तो शानदार चलेगी तो मैं टेक्निकली बताऊ तो बायोटेक की यूनिट पूरी हो चुकी है ये वाली जो यूनिट है एनिमल टिश्यूज बच्चा है बस वो एक लेक्चर में हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स हम कर चुके हैं अब जेनेटिक्स हम करो उसके बाद सेल सेल साइकिल करेंगे वो वाली यूनिट भी खत्म जेनेटिक्स भी खत्म कर दूंगी मैं बायोटेक भी खत्म हो जाएगी यूनिट नंबर टू भी खत्म हो जाएगी फिर हम यूनिट नंबर वन से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम एंड लिविंग वर्ल्ड यस बच्चों हर चीज बहुत सॉर्टेड वे में चल रही है एक दिन अपने आप को रेस्ट दे सैटरडे को जैसे कि आप संडे को अपना टेस्ट अच्छा दे सके क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस मैंने प्लान कर रखे हैं ठीक है हर रात हम 10 बजे ही मिलेंगे कल का सेशन लंबा होगा कल का सेशन छोटा नहीं होगा तो एक बजे तक पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना क्योंकि कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी टॉपिक के साथ मैं कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं कराऊंगी विदाउट प्रैक्टिस तो कल जैसा आप जेनेटिक्स करेंगे शायद ही आपने कभी किया हो अगर आपने जीरो से समझना है तब भी आप आ सकते हैं अगर आप हीरो हैं तब भी आप आप आ सकते क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बट अपने आप को पीछे नहीं करना है यू नीड टू गिव योर हंड्रेड परसेंट टू बायोलॉजी मैं कहती हूँ बेटा बायो कहीं मत पढ़ो कुछ मत करो सिर्फ क्लास में पढ़ो शिद्दत से पढ़ो पूरा टाइम आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को देना है क्योंकि सिलेक्शन ही है जो मेरा नाम रोशन करेगा तुम्हारा तो सिलेक्शन मेरा नाम रोशन करेगा ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और ये हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी पास्ट में हो फर्क नहीं पड़ता बट जो दिन बचे ना वो मेरे अभी भी हाथ में है एंड यू आर इन द मोस्ट सेफेस्ट हैंड्स बेस्ट हैंड्स आई वुड से ठीक है बच्चों लग गई अटेंडेंस बिना डेढ़ हजार के अटेंडेंस के बिना आज मैं नहीं जाऊंगी लगानी तो पड़ेगी लगाओ सब अटेंडेंस इतनी लगाओगी बस खुश हो जाए मैम लगाओ जाके वहां पे लाइक करो यस yes, नहीं जाएगी मैम क्यों जाएगी मैम नहीं जाएगी मैम बिना अटेंडेंस yes, yes! सब अटेंडेंस लगाएंगे टेस्ट सीरीज पक्का होगी क्यों नहीं होगी टेस्ट सीरीज और जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं है एनसीआरटी आज के नोट्स में आपको एनसीआरटी भी मिलेगी बच्चों ठीक है आज के नोट्स में आपको एनसीआरटी भी मिलने वाली है तो यहां से आप सेव कर रही हूं मैं यस लगा दी मैं जाऊंगी नहीं नाम है तेरा तेरा नाम है तेरा तेरा लगा दे अटेंडेंस हम्म अभी भी नहीं हुई यार नहीं हुई यस नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे नीट अड्डा के मेरे टेलीग्राम पे माय पर्सनल नेटवर्क यस दोनों जगह ही दे दूंगी मैं चलो भाई जल्दी जल्दी लगाओ यस yes. चलो चलो बच्चों मेरे को भी घर जाना है दुन दुन दुन। अभी भी नहीं हुई अभी भी नहीं हुई इतने सारे बच्चे हैं करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी यस yes. आज मेरे आगे के बालों को क्या हो रहा है भाई ऐसा लग रहा है कि कोई शौक लगा है, शौक अलग लगा लगा शौक लगा अलग शौक अलग लगा लग तो वैसे ही रहे। <coughs> हाँ कोमल आ जाओ चलो भाई अब हम चलते हैं बात सुनोगे तो कलाओगे कलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है चलो मिलते हैं बाय बाय ठीक है